एक ऐसा बंगलो जिसे सिर्फ आप 65 रुपए में खरीद सकते हो। और कभी आपने सोचा है कि हेलीकॉप्टर कितना माइलेज देता है? और क्या आपको पता है कि आपके बालों में भी गोल्ड मौजूद है? और तो और, इस दुनिया की सबसे बड़ी आंख किस जानवर की है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, शार्क समुद्र की सबसे बड़ी डेडली चीज है, ये बोलना गलत नहीं होगा। पर क्या आपको पता है कि शार्क की स्पीसीज कितनी पुरानी है? शार्क असल में हम ह्यूमंस, माउंट एवरेस्ट, डायनासोर और तो और पेड़ से भी ज्यादा पुरानी प्रजाति में से एक है। प्राचीन शार्क आज की शार्क से काफी ज्यादा खतरनाक थी, पर आखिर वो थी तो शार्क सी। नंबर 29, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी आई किस एनिमल की है, तो आप किसका नाम लोगे? कुछ है दिमाग में, एलिफेंट, जिराफ, मे बी। पर आप गलत हो। जिस एनिमल की सबसे बड़ी आईज है वो पानी में रहता है, वो एनिमल है जायंट स्क्विड। और इसकी आंख 25 से 27 सेंटीमीटर जितनी बड़ी होती है। और ये स्क्विड को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार। नंबर 28, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आदमी भी है जिसने अपने सर में डायमंड इम्प्लांट किया है, अमेरिका के एक फेमस रैपर जिनका नाम है लिल उजी वर्ड्स, जिन्होंने हाल ही में 24 मिलियन यानी करीब 178 करोड़ रुपए का डायमंड अपने सर में इम्प्लांट कराया है। और इनका ये कहना है कि ये करने के लिए वो पिछले 7 सालों से पैसा जमा कर रहे थे। और ये जो डायमंड इनके सर पे है, ये उनकी पूरी प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगा है। इनकी कार, घर, सब कुछ मिला के भी इस डायमंड की प्राइस इन सबसे कहीं ज्यादा है। नंबर 27, क्या आपको ये इमेज में बड़ा सा पांडा दिख रहा है? ये इमेज चाइना की है और ये कोई बड़ा पिक्सल आर्ट या पेड़ नहीं है, ये है सोलर पैनल्स। और इसे ऐसा कमाल का शेप बनाया गया है। और उससे भी ज्यादा कमाल का है इसके पैसे। चाइना करीब $3 बिलियन रुपए खर्च कर रहा है ऐसे सोलर पैनल्स बनाने के लिए। नंबर 26, आपको ये जो 9 साल का बच्चा दिख रहा है, इसे डूडल आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और ये बुक्स में यही बनाता रहता था। टीचर इसे काफी ज्यादा मारते और डांटते थे डूडल आर्ट करने की वजह से, पर अब 9 साल की उम्र में ही इसे इसी टैलेंट की वजह से नाम और पैसे मिले। लोग इसे रेस्टोरेंट की दीवारों पे डूडल आर्ट करने के लिए बुलाते हैं और बदले में पैसे भी देते हैं। नंबर 25, आपने आज तक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, जैसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट हेयर, नेल्स, आईलैशेस, पर कभी आपने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ईयर हेयर्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंथनी विक्टर के पास, और इनका जो सबसे बड़ा ईयर हेयर है वो 7 इंच जितना बड़ा है। और ये बाल सबको नहीं उगते, बस कुछ जीन्स वालों को ही उगते हैं। नंबर 24, क्या आपको ये इमेज दिख रहा है? इस इमेज में जितने भी डॉट्स हैं वो सब स्टार हैं। और ये जो इमेज है, इसमें जितने भी डॉट्स हैं वो एक गैलेक्सी है। और ये जो बबल्स हैं, इसमें हर एक बबल एक यूनिवर्स है। और अब तक हम बस यहाँ तक ही देख पाए हैं, या कहूँ अंदाजा लगा पाए हैं। और इससे भी कई ज्यादा बड़ा है ये सर्कल, तो सोचो ये पूरा यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा होगा। नंबर 23, अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो आपको सूट पहनाया जाएगा, और ये होगा आपकी सेफ्टी के लिए। और इसको इतना सेफ बनाया जाता है जिसकी वजह से इसका लुक एक डिब्बे जैसा हो जाता है। और इसीलिए इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में और अपनी टीम को ये कहा था कि स्पेसएक्स का जो न्यू स्पेस सूट होगा वो सेफ तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ स्लिम और बैडएस दिखना चाहिए। नंबर 22, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हो तो आपके लिए एक टिप है। ऐसा कई बार हुआ है जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो किसी वजह से बैंक से तो पैसे कट जाते हैं पर सामने वालों को नहीं पहुंचते। और इसीलिए जब भी आप कोई बड़ी या छोटी पेमेंट करो तो प्रूफ के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना, ताकि कोई झमेला होगा तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस हो जाएगा। नंबर 21, एक बार चाइना में लोकल क्लीनर कंपनी की गलती की वजह से जो रिसर्वर था उसका सिंक खुल गया था, जिससे 10 फीट जितना पानी सिंक हो गया। पर ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट ये है कि जब 10 फीट जितना पानी गया तब उसके अंदर से एक 600 साल पुरानी गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली। और ये बात बताती है कि पहले के लोग जमीन में काफी नीचे रहते थे और उससे बुद्ध के पीछे कई सारी सुरंगें भी थी, पर वो पूरे तरीके से पानी से भरी हुई थी, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा पाया। नंबर 20, ये जो आपको मैन होल दिख रहा है और इसके ऊपर जो ये डिजाइन है, ये ओक्लाहोमा का मैप है। और ये जो आपको व्हाइट डॉट दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ आप एग्जैक्टली खड़े हो, यानी ये मैन होल ये दिखाता है कि मैप में आप कहाँ पे खड़े हो। नंबर 19, क्या आपको आज तक की शॉर्टेस्ट हॉरर स्टोरी के बारे में पता है? इस स्टोरी का नाम है नॉक, और ये स्टोरी बस 2 सेंटेंस की है। लास्ट मैन ऑन अर्थ सैट अलोन एंड देयर वाज अ नॉक, और बस यही कंप्लीट स्टोरी है। नंबर 18, हम ऑक्सीजन का पूरा क्रेडिट पेड़ को ही देते हैं, पर पूरे वर्ल्ड में लैंड से ज्यादा वाटर है, और इसीलिए हमें 58% ऑक्सीजन वाटर में उगने वाले प्लांट देते हैं और बस 42% ऑक्सीजन ही पेड़ देते हैं। नंबर 17, जरा ये फोटो को देखो। ये डॉग को देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई ह्यूमन हो और स्नैपचैट का कोई फिल्टर लगाया हो। इस डॉग का नाम है नूरी उल। इसे द ह्यूमन फेस
टिकटॉक भी कहते हैं। ये सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा मशहूर है और इसे देखने पे मुझे बिल्कुल ये कोई ह्यूमन जैसा लगता है। नंबर 16, आपने स्प्लिट पर्सनैलिटी नाम की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिक्चर्स में कई बार दिखाई जाती है। पर क्या आपको पता है कि जिस व्यक्ति को 5 से ज्यादा लैंग्वेजेस आते हैं उसे काफी ज्यादा हाई चांस होता है अनकॉन्शियसली पर्सनैलिटी चेंज करने का, जब भी वो दूसरे किसी लैंग्वेज में बात करता है। नंबर 15, ये देखिए, ये एक बेजान आइलैंड, वो भी साल 1970 का। और अब देखिए, ये है रियो डी जेनेरियो, जो साल 2021 में ऐसा दिख रहा है। कितने ज्यादा चेंजेस हो गए हैं बस थोड़े टाइम के अंदर, इसे कहते हैं प्रोग्रेस। नंबर 14, अभी मैं आपको एक ऐसा कमाल की फिटनेस गेम दिखाऊंगा जिसे सबको खेलना चाहिए। ये देखो, है ना कमाल की गेम। ये गेम फॉरेन में काफी फेमस हो रही है। नंबर 13, आपने आजकल इंटरनेट पे ये ऑसम 3D वीडियो तो दिखाई होगा, पर ये है कहाँ का? तो ये है मलेशिया के पवेलियन केएल का, और ये इन्होंने मार्केट में इंस्टॉल किया था क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला था और उसकी सेलिब्रेशन के लिए ये 3D स्क्रीन का यूज किया गया था। नंबर 12, माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है और इसे लोग क्लाइम भी किए हैं। पर क्या आपको पता है कि माउंट कैलाश जो है, जिसे कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, वो माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, पर फिर भी आज तक कोई भी कैलाश के ऊपर नहीं चढ़ पाया है। और जिसने भी ट्राई किया है वो सब आधे में फ्लैग लगा के वापस आ जाते हैं, और इसे आप कोई गॉड का चमत्कार मानो या इसका इम्पॉसिबल वेदर। नंबर 12, वायलेट जोसफ नाम की जो औरत है, ये तीनों शिप यानी टाइटैनिक, ओलंपिक और ब्रिटानिक की शिप नर्स रह चुकी है, और ये तीनों शिप में सर्वाइव कर गई क्योंकि वो तीनों शिप जो थे वो डूब गए थे। तो बात ये है कि ये काफी ज्यादा लकी थी जो ये तीनों शिप में बच गई थी, या इतनी ज्यादा अनलकी कि इनको तीनों का सामना करना पड़ा। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि हॉर्स की एक ऐसी भी ब्रीड है जिसके सिल्की और शाइनी हेयर नहीं होते, बल्कि घुंघरालू और वूल जैसे बाल होते हैं, जैसे कि एक बड़ी सी शिप जैसे। और इस घोड़े को आप में से 1% लोगों ने शायद ही कभी देखा होगा, तो अगर आप इसे पहली बार देख रहे हो तो लाइक जरूर मार देना। नंबर 10, हाल ही में एक पिरामिड के अंदर से ये आर्टिफिशियल वुडन हाफ फुट मिला था, और ये बस कोई अटैचमेंट नहीं है, ये एक्चुअली इससे सर्जरी से जुड़ी हुई है, और ये करीब 3000 साल पुराना है। इसका मतलब पुराने इजिप्शियन लोग भी काफी ज्यादा एडवांस थे उस टाइम के हिसाब से। नंबर 9, आज मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड बताऊंगा। ये जो गोल्डन पूरा वर्ल्ड है, और ये जो पिंक आप देख रहे हो ये सारे रोडवेज हैं, और ये जो ग्रीन है ये सारी रेलवेज हैं, रेड कलर वाले एयरवेज हैं, और ब्लू में सारे सी पोर्ट्स हैं, और ये सब मिलके पूरे वर्ल्ड के रोड्स बनाते हैं। नंबर 8, बली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, और ये लोग वेस्ट और पोल्यूशन को बेस्ट बनाना अच्छे से जानते हैं, जैसे कि बली 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इधर नेट प्लास्टिक काफी ज्यादा आता है, तो इन्होंने उन नेट को कलेक्ट करके स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे ये यूनिकॉर्न देखो, पूरा नेट से ये बना हुआ है। नंबर 7, जॉर्जिया में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसके ऊपर 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये लिखा है कि ह्यूमन सोसाइटी को कैसे रिक्रिएट करना है जब कोई एपोकलिप्स आए, और उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि एपोकलिप्स कब आएगा, और ये एक टाइप से कंपास भी है, और इसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट लिखे हैं, पर वो कहां जाते हैं और वो क्यों लिखे हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ मानते हैं कि एपोकलिप्स की शुरुआत वहां से ही होगी। नंबर 6, टेस्ला जो कंपनी है इलोन मस्क की, वो अब सेकंड बिगेस्ट पब्लिक कंपनी बन गई है जो बिटकॉइन होल्ड करती है, क्योंकि टेस्ला ने करीब $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में लोग ट्रेड और मनी के रूप में क्रिप्टो करेंसी ही यूज करेंगे। आपका क्या कहना है बिटकॉइन के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, ये जो है ये एक एनिमल का पूर्वज है। अब आप गेस करो ये कौन से एनिमल का पूर्वज है, आपको क्या लगता है, डॉग, कैट, लायन? पर आप सुन के चौंक जाओगे कि एक व्हेल का पूर्वज है। व्हेल पहले जमीन पर रहती थी, फिर वो वाटर से अडॉप्ट हुई। ये देख के कोई नहीं कह सकता कि एक व्हेल है। नंबर 4, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है बट कमाल की खोज है। आर्कियोलॉजिस्ट को अभी इजिप्ट में 2000 साल पुरानी एक ऐसी मम्मी मिली है जिसके पास सोने की जीभ है, और उसके मिलने की थोड़ी देर बाद वो जीभ चोरी हो गई, और जहाँ पे वो जीभ मिली वहाँ और खुदाई की गई, और उसके अंदर से 4 और मम्मी मिली थी। वाव। नंबर 3, आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे बालों में भी गोल्ड मौजूद है। जी हाँ, असल में हमारे बाल 14 अलग अलग एलिमेंट से बने हैं, और वो 14 अलग अलग एलिमेंट्स में से कुछ हद तक गोल्ड भी मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बालों में गोल्ड मौजूद है। नंबर 2, इटली में सिसिली नाम की एक जगह है जहाँ हद से ज्यादा पुराने घर हैं, पर उधर रहने वाले कोई नहीं है, सब वहाँ रहते थे, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, और इसीलिए अब वहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं। पर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इसी वजह से वहाँ के घर की प्राइस काफी कम हो गई है, बस 93 सेंट्स, और इंडियन रुपीज में देखें तो करीब 65 रुपए। जी हाँ, 65 रुपए में आपको यहाँ आसानी से घर मिल जाएगा। नंबर 1, क्या आपको पता है कि हेलीकॉप्टर का एवरेज माइलेज कितना है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। कई टाइप के हेलीकॉप्टर्स होते हैं
हैं और एक वीडियो में सबका माइलेज बताना नामुमकिन है। पर मैं आपको सबसे कॉमन और मोस्ट यूज हेलीकॉप्टर रॉबिन्सन R-44 के बारे में बताऊंगा। तो रॉबिन्सन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर से 240 किलोमीटर पर आवर तक जाती है और इसमें दो फ्यूल टैंक होते हैं और ये 600 केजी का होता है। और अगर 189 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिने तो इसका माइलेज 1 लीटर में 3 से 4 किलोमीटर तक होता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।